गुड मॉर्निंग टू ऑल दियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का 8th लेक्चर है। चैप्टर की थ्योरी हमने पहले ही कंप्लीट कर ली है और एक्सरसाइज हमने पिछली बार स्टार्ट की थी, एक क्वेश्चन किया था। आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज ही है। अगर आपके पास बुक है तो आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं और सॉल्यूशंस मैंने दिए हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी है और एक दो क्वेश्चन ये आपको ट्रिकी लगेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस इजी ही हैं। तो आप सेल्फ भी ट्राई कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपको इजी लगे। ओके, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल आपको भी करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल्स एंड ऑफ इक्वल लेंथ आर of equal lengths and equal diameters are first connected in series and then parallel in the circuit across the same potential difference. दो रेजिस्टेंस को एक बार पैरेलल में लगाया, एक बार सीरीज में लगाया और उन दोनों को सेम बैटरी से कनेक्ट किया गया। जब वो पैरेलल में लगे तब भी वही बैटरी और सीरीज में लगे तब भी वही बैटरी। आपको पूछा है कि हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस। अब आपको कुल मिला के हीट का रेशियो निकालना है। हीट निकालने उसका रेशियो करने में तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा रेशियो निकाल लेंगे अपन। सो फर्स्ट आपको बोला रेजिस्टेंस के मटेरियल सेम है दोनों का, दोनों की लेंथ इक्वल है और डायमीटर इक्वल है, ठीक है ना। तो देखिए एक रेजिस्टेंस के अंदर आर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। अब इसके अंदर तीन तरह की डायमेंशन आपने पढ़ी, हमने पहले ही पढ़ी है। पहला तो इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया, ठीक है, दूसरा है इसकी लेंथ और तीसरा है इसकी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मटेरियल बदलता है तो ही बदलती है, वरना चेंज होती नहीं है। तो रेजिस्टिविटी दोनों में सेम है, ठीक है। लेंथ की बात करें तो लेंथ ही खुद बोल रहा है कि दोनों में सेम है और एरिया दोनों का क्रॉस सेक्शन का सेम है कि नहीं, क्योंकि डायमीटर सेम है मतलब रेडियस सेम है, रेडियस सेम है तो एरिया भी चेंज नहीं हुआ। मतलब दो रेजिस्टेंस गिवन है हमको, मान लेते हैं आर1 रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या क्या है, रो एल बाय ए, तो आर2 की भी डायमेंशन क्या होगी, रो एल बाय ए। दोनों में कोई वेरिएशन नहीं है उनकी डायमेंशन के अंदर और मटेरियल के अंदर, सो दोनों का रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा और उसको हम आर मान लेते हैं। कंप्लीट है, अब निकालिए। फर्स्ट हम हीट प्रोड्यूस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, जब सीरीज में कनेक्टेड है तो हम हीट निकाल लेते हैं। सर्किट कैसा बनेगा, दो रेजिस्टेंस लगा लिया हमने, दोनों की वैल्यू सेम है, आर आर मान लेते हैं, 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। अब एक चीज यहां ध्यान देना कि करंट मैंने I1 लिखा है और दूसरी बार जब पैरेलल में लगाएंगे तो करंट I2 लिखेंगे। वोल्टेज दोनों के अंदर पहले से सेम बोला इसने कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ कॉम्बिनेशन आर इक्वल, बट करंट दोनों में इक्वल होगी क्या, नहीं होगी बेटा, क्योंकि सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन के अंदर करंट डिफरेंट होती है। वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज बैटरी एक बार फिक्स कर ली। अब सपोज जैसे कि इसके अंदर कुछ भी रेजिस्टेंस आएगा, सीरीज का रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा, पैरेलल का अलग अलग आएगा, क्यों, क्योंकि सेम रेजिस्टेंसेस है। ओके, इसलिए मैंने इसको I1 मेंशन किया है। अब हमको I1 नहीं पता है, हमको I1 बिल्कुल नहीं पता है, हमको क्या पता है, V पता है और R पता है, ठीक है। तो हम हीट का वो फॉर्मूला यूज में लेंगे, आपने तीन फॉर्मूले पढ़े थे हीट के और यहाँ कन्फ्यूजन ये रहता है कौन सा फॉर्मूला सर काम में ले। यहाँ अगर आप I2RT वाला फॉर्मूला काम में लोगे तो आपको पता नहीं I कितनी है और I आप फाइंड भी नहीं कर पाओगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम वो फॉर्मूला यूज में लेते हैं जिसके अंदर सारी क्वांटिटीज नोन है हमको, ठीक है। तो पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, R1 प्लस R2, R प्लस R इक्वल टू 2R, कोई दिक्कत नहीं। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2R, सही है। अब पहले हीट की बात करते हैं। हीट के तीन फॉर्मूले याद है, V2R × T, I2RT और VIT। अब देखिए बाकी दो अदर फॉर्मूलों के अंदर करंट है और करंट हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज का फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए टाइम की बात करें तो दोनों को सेम टाइम के लिए ऑपरेट किया है, दोनों के लिए टाइम कॉन्स्टेंट है तो हमको टाइम पता है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। V वोल्टेज हमको दिया हुआ है कि दोनों के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और R रेजिस्टेंस हमको पता है, ठीक है। तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, V स्क्वायर की जगह V स्क्वायर आ जाएगा, R यहाँ इक्विवेलेंट में लिख सकता हूं मैं, R इक्विवेलेंट कितना है, 2R, अभी निकाला अपन ने, 2R लिख लिया और T लगा दिया टाइम इक्वेशन, इसको थर्ड नाम ले देते। अब ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाने हैं तब हीट क्या होगी, देखिए व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल हीट प्रोड्यूस्ड। अब देखिए वोल्टेज वही, पोटेंशियल डिफरेंस V लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, वी वोल्ट की बैटरी लगी है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिए आर आर वैल्यू के। देखिए करंट यहाँ पे I2 लिखा है,
क्योंकि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम आते हैं क्या? नहीं आते ना। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों में सेम नहीं है तो करंट डिफर करेगी ना, V बाय I करेंगे अपन, तो I दोनों में अपन को निकालना, V इंटू आई आर निकालना है। तो अगर हम दोनों में करंट निकालना चाहते हैं तो करंट क्या होगी, V बाय R, और R दोनों में डिफरेंट है, सही कि नहीं? यहाँ R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, R1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, दोनों R1 R2 सेम है तो क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट R बाय 2। इस कैलकुलेशन में किसी तरह की अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब हीट प्रोड्यूस इन सेकंड निकालते हैं H2, वही फॉर्मूला V2 बाय R इंटू T। V2 तो वैसे वैसे सेम है, चेंज नहीं हुआ। R की बात करें, R इक्विवेलेंट अब कितना आ रहा है, R बाय 2, सो R बाय 2 यहाँ लिखा। T कितना, टाइम सेम है, टाइम सेम लिख लिया, 2 ये ऊपर जाएगा तो 2 V2 बाय R आपका इंटू टी आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ओके, इसको इक्वेशन 4 नाम देते हैं। दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर हीट आ गई हमारे पास में। अब सिंपल सा रेशियो निकाल लेना। रेशियो में क्या करते हैं, H1 बाय H2, H1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं V2 बाय 2R इंटू T, H2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2V2 बाय R इंटू T। T से T कट जाएगा, V2 से V2 कट जाएगा, और R से R कैसे लौट जाएगा, देखिए 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 1/R आएगा, 1/4 आएगा, सॉरी 1/4, मतलब H1 बाय H2 इज इक्वल टू 1/4। तो रेशियो क्या आ जाएगा, H1 का रेशियो आएगा 1 और H2 का रेशियो आएगा 4, क्लियर है? तो H1 रेशियो H2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बिल्कुल प्रोसीजर समझाया है और आप बिल्कुल इसी तरह से बोर्ड के अंदर करेंगे। आपको देखते ही अगर कोई भी क्वेश्चन ईजी लगता है, अभी मैं और आगे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन एक एक लाइन के क्वेश्चन है अगर आप नॉर्मली करने बैठे तो। लेकिन जिस तरह से मैं प्रोसीजर आपको सिखा रहा हूँ उसी तरह से आपको बोर्ड में फॉलो करना है, उससे भी अच्छे तरीके से, उससे कम नहीं बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mA एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर। एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर दे रखा है और रेजिस्टिविटी दे रखी है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम और लेंथ हमको पूछा है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। वो सेकंड केस की बात कर रहा है कि अगर सेकंड केस के अंदर अगर डायमीटर को डबल कर दे तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस के अंदर क्या क्या गिवन है हमको, देखिए रेजिस्टिविटी गिवन है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर समझते हो ना 0.5 mA है, ध्यान रखें मिलीमीटर है, मिलीमीटर को मीटर में हम चेंज करेंगे, मिलीमीटर माइक्रोमीटर इन सबको आप यूनिट को आप मीटर में हमेशा चेंज करेंगे क्योंकि एमकेएस की यूनिट क्या है, मीटर है। डायमीटर आ गया 0.5 mA, लेंथ आपको एल दे रखी है और रेजिस्टेंस हमको आर 10 दे रखा है, ठीक है। अब डायमीटर है 0.5 mm, मिलीमीटर 1 mm में मीटर कितने होते हैं, 1 mm = 10⁻³⁻³ जानते हो ना, इसका उल्टा कर दो अगर मीटर आ जाएगा, सही। तो 1 mm की जगह क्या रख दिया, 10⁻³⁻³ मीटर, क्लियर। अब रेडियस निकालना है तो इसका हाफ हो जाएगा ना, डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। सो रेडियस आर इज इक्वल टू डायमीटर बाय टू, डायमीटर है 0.5 बाय 2 इज इक्वल टू 0.25 × 10⁻³⁻³ तो हमारे पास में रेडियस आ गई, ठीक है। मीटर में ध्यान रखें प्लीज, यूनिट का कन्वर्शन आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप यूनिट कन्वर्जन नहीं जानते ना, आप क्वेश्चन करना जानते हो तो भी आप क्वेश्चन गलत करोगे, इसलिए यूनिट ध्यान से देखें कि कौन सी CGS दे रखी है, MKS दे रखी है, जो भी दे रखी है, सभी को एक यूनिट सिस्टम के अंदर करने की कोशिश करें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, छोटी छोटी बातें बेटा ध्यान रखें। R1 की बात करें, रेजिस्टेंस निकालना है, R1 = ρL/A, ठीक है, रो दे रखा है। अब हमको क्या निकालना है, सॉरी L निकालना है, हमको लेंथ निकालनी है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ρL/A, हमको लेंथ फाइंड करनी, ठीक है। लेंथ फाइंड करनी तो लेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा, A इधर जाएगा, रो नीचे आएगा, तो R into A divided by ρ = L। L को और अच्छे तरीके से लिखेंगे तो ρ R A by ρ। R की वैल्यू 10 ओम दे रखी है पीछे। अब एरिया की बात करें, देखिए एरिया हमने हमेशा बात की, किसी भी वायर का एरिया, अभी तो आपके सिलेंड्रिकल मिलेगा आपको वायर, सिलेंड्रिकल वायर मिलेगा तो उसका क्रॉस सेक्शन हमेशा कैसा होगा, सर्कुलर होगा, और सर्कुलर का एरिया क्या होता है, πr² सही बात है। अब πr² को मैंने डायरेक्टली लिखा है, देखिए पाई की वैल्यू रख दी है 3.14, जानते हो सभी,
रेडियस की वैल्यू है 0.25 इंटू 10^-3। अब ये रेडियस आर है, इस आर का स्क्वायर किया ओनली, पाई का स्क्वायर मत कर देना बेटा आप, सिर्फ आर का स्क्वायर किया, ठीक है, डायरेक्ट लिखा है, थोड़ा समझे, डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी जो दे रखी थी 1.6 इंटू 10^-8 ओम मीटर। तो एल आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एल क्या निकल जाएगा, 1.2 इंटू 10^2 और अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 122 मीटर, मतलब 122 मीटर्स, ये हमारी लेंथ आ गई। क्लियर चीज है, ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, आर का स्क्वायर करेंगे यहाँ से और बाकी सॉल्व आउट कर लेंगे। अब सेकंड केस में ये क्या कह रहा है कि लेंथ वही है, ठीक है, लेंथ वही है, मटेरियल भी वही है, इस बार इसने डायमीटर को डबल कर दिया, पहले डायमीटर था 0.5 का डबल क्या हो जाएगा 1 mm, तो 1 mm का डायमीटर हो गया, लेंथ वो की वो है। तो इसने पूछा अब रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या क्या इफेक्ट होगा, क्या चेंज होगा, वो पूछा है। सो आर टू रेजिस्टेंस का वही फॉर्मूला रो एल बाय ए, इस बार हमको रेजिस्टेंस निकालना है। अब आप पूछेंगे सर रेजिस्टेंस पिछली बार 10 था, इस बार चेंज क्यों हो रहा है? एक रेजिस्टेंस या एक कंडक्टिंग वायर के अंदर किसी भी तरह के डायमेंशन के अंदर अगर चेंज होता है तो उसका रेजिस्टेंस बदलता है, हमने पढ़ा है ना बेटा, रेजिस्टेंस या तीन चीजों पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए, रो एल बाय ए, रो मतलब रेजिस्टिविटी जो कि मटेरियल पर डिपेंड करती है, मतलब एक रेजिस्टेंस रेजिस्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जो होता है वो उसकी मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पे भी डिपेंड करता है, उसके एरिया पे भी डिपेंड करता है एंड प्लस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो इन तीनों में से कुछ भी बदलेगा तो उसकी रेजिस्टेंस ओवरऑल चेंज हो जाएगा। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिख दिया आपने, रेजिस्टिविटी की वैल्यू है 1.6 × 10^-6, लेंथ की वैल्यू 122 डिवाइड बाय 1. अब एरिया फिर से वही है, अब एरिया इस बार निकालेंगे, मैं रेडियस डायरेक्ट लिखी, देखो अगर 1 मिलीमीटर का डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 1 मिलीमीटर बाय 2 इज इक्वल टू 0.5, क्लियर है, इंटू 10^-3 और इसका आर का स्क्वायर कर देंगे, वही कैलकुलेट करेंगे फिर से, हमारे पास में 2.48 आएगा अप्रोक्सीमेटली। कैलकुलेशन आप लोग बिल्कुल ध्यान से सही से करें, आपको कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, इनमें आप बिल्कुल मिस्टेक ना करें बेटा। आर टू की बात करें, अब 2.48 आया तो इसको मैं अराउंड नियर बाय 2.5 मान लेता हूँ, ठीक है, तो 2.5 हमारा R2 मतलब सेकंड रेजिस्टेंस आ गया, जब डायमीटर डबल किया तो रेजिस्टेंस 2.5 आया और जब डायमीटर नॉर्मल था तो रेजिस्टेंस क्या था 10 ओम, तो पहले 10 था और अब 2.5 है, तो देखिए R1 और R2 में रेशियो क्या आ गया, रिलेशन क्या आ गया 1/4 का, मतलब जो सेकंड बार रेजिस्टेंस है वो 1/4 टाइम कम हो जाएगा, मतलब अगर डायमीटर हमने वायर को वाइड कर दिया ना तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, ओम फ्लो पे बेस सीधा वी, वी इज इक्वल टू आई आर पर, फिर भी मैंने करवाया क्योंकि मिली आपको मिली एम्पियर से अगर कन्वर्जन नहीं आए तो आप लोग समझ लें एक बार। व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टेंस और रजिस्टर, देर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ एक इंटरव्यू से करवाया आपको, यह लिया है सिर्फ करंट की वजह से, आप जल्दबाजी के अंदर करंट को 2.5 एम्पियर रख के सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, इसलिए आप देखिए पहले वोल्ट क्या दे, रेजिस्टेंस वोल्टेज कितना दे रखा है 12 वोल्ट का, करंट दे रखी है 2.5 मिली एम्पियर। अब मिली का मतलब 10^-3 होता है, पहले पीछे कोई भी यूनिट हो तो मिली मतलब 10^-3 एम्पियर हो गया, तो अब टोटल करंट कितनी आ रही है 2.5 × 10^-3 एम्पियर, बहुत कम करंट है। रेजिस्टेंस हमको निकालना है, रेजिस्टेंस क्या होता है ओम्स के लॉ से, वी इज इक्वल टू आई आर से रेजिस्टेंस क्या होगा वी बाय आई, वी बाय आई हमने लिख लिया, रेजिस्टेंस वोल्टेज की वैल्यू 12 है, करंट की वैल्यू 2.5 × 10^-3 मिली एम्पियर है, तो एम्पियर अब आ जाएगा। आर की वैल्यू सॉल्व आउट करके निकाल लेंगे, 12 / 2.5 करेंगे तो 4.8 आएगा और 10^3 4.8 × 10^3। अब आप इसको ऐसे लिखे तो भी बिल्कुल करेक्ट है, अगर आप इसको 4800 लिखे तो भी करेक्ट है, और अगर आप इसको आप देखिए 10^3 को हम क्या कहते हैं किलो कहते हैं, तो अगर आप इसको 4.8 किलो ओम लिखे तो भी सही, ठीक है, सारे तरह से लिखना बिल्कुल करेक्ट है, लिखना आपको आना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए आप, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन इसको पहले हम समझ लेते हैं बेसिकली क्या कहना चाहते हैं क्वेश्चन। देखिए माने कि अगर सेम अपन पैरेलल के अंदर कॉम्बिनेशन जब देखते हैं रेजिस्टेंसेस का, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं तो जैसे कि अलग अलग रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 R4 डेरिवेशन किया है ना मैंने, अब आपको पूछे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए तो आप कैसे निकालते हैं, हम 1/R1 + 1/R2
प्लस वन बाय आर थ्री प्लस वन बाय आर फोर, सही बात, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर सोचिए कि इन सबको आप अगर इन सब की वैल्यू नहीं गिवन है तो आप इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन सोचिए अगर ये चारों रेजिस्टेंस इक्वल दे रखे हो, मतलब आर वन बराबर आर टू बराबर आर थ्री बराबर आर फोर बराबर आर, कोई वैल्यू दे रखी है, मतलब ये सारे रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, ऐसे समझिए कि चार आर ओम रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंसेस इस तरह से पैरेलल में लगे, ठीक है। अब निकालिए आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाय आर वन, मतलब वन बाय आर, वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री प्लस वन बाय आर फोर, करेक्ट है। अब देखिए जब चारों रेजिस्टेंस सेम है, वन बाय आर है, तो आप कॉमन सेंस की बात है कि आप लोग इसका एलसीएम निकाल के सॉल्व करेंगे, मैं सिखा रहा हूँ बेसिक साहब। तो एलसीएम क्या आएगा, आ रहेगा ऊपर क्या आएगा, वन प्लस वन प्लस वन, सपोज ज्यादा रेजिस्टेंस दे रखे हैं एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए तो वन बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ध्यान दें, वन बाय आर इक्विवेलेंट, अब ध्यान से देखिए वन प्लस वन प्लस वन अगर एन टाइम करना है, मतलब वन को एन टाइम जोड़ना है, तो वो क्या नंबर बनेगा, एन बनेगा, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, डिवाइड बाय आर दे रखा है, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा बेटा, आर बाय एन, क्लियर चीज है, यही हमारा फॉर्मूला है। अब आप डायरेक्ट भी आप ये तो मैंने आपको प्रोसीजर समझाया, आप लॉजिक से आप याद रखें कि आपको एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर पैरेलल के अंदर दे रखे हैं, उन सबकी वैल्यू सेम है, तो आप देखिए रेजिस्टेंस क्या आएगा, आर बाय एन आएगा। सपोज कि 5 ओम के 3 रेजिस्टेंस इस तरह से पैरेलल में लगे, सबकी वैल्यू कितनी 5 ओम की। अब आपको पूछे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 5 बाय 3, 3 रेजिस्टेंस है, 5 एक की वैल्यू है, मतलब आर बाय एन हुआ कि नहीं हुआ, समझे कि नहीं। अगर 4 लगे तो आर बाय 5 बाय 4 हो जाएगा, अगर 5 लगे तो आर बाय 5 बाय 5 हो जाएगा, क्लियर चीज है कि नहीं। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, आर इक्विवेलेंट बराबर आर बाय एन, कन्फ्यूजन हो आपको इसलिए मैंने डेरिवेशन से समझा दिया आपको, क्लियर चीज है, कोई दिक्कत नहीं। तो आर बाय एन, आर क्या है, जो रेजिस्टेंस 1 की वैल्यू है, ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू, और आर इक्विवेलेंट क्या है, जो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकलेगा, क्लियर है। अब दूसरी बात कि अगर सपोज ये किसी बैटरी से कनेक्टेड है, ऐसे ये कोई बैटरी वोल्टेज V से कनेक्टेड है, ठीक है, तो और इसके अंदर कोई करंट जा रही है, किसी भी सर्किट के अंदर अगर करंट और वोल्टेज दे रखा है टोटल, तो क्या आप टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, बस दो चीजों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप लोग इसका। ये कह रहा है कि हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पीयर करंट ऑन 220 वोल्ट लाइन। देखिए ये कह रहा है कि एक भाई सर्किट बना हुआ है इस तरह से, ये 176 ओम के कुछ रेजिस्टेंसेस, फ्यू रेजिस्टेंसेस ऐसे पैरेलल के अंदर लगे, मैंने मान लिया 176 का एक रेजिस्टेंस है 176, और एन टाइम्स मैंने लिख लिया भाई नंबर ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, एन है, 220 वोल्ट का इसका वोल्टेज दे रखा है, और करंट ये खुद बोल रहा है कि 5 एम्पीयर की है। अब एक बार के लिए आप मेरे को बताइए कि ये इस आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो, ये तो आर इक्विवेलेंट निकलेगा ना पैरेलल के अंदर, उसकी वैल्यू कुछ भी हो, रेजिस्टेंस आर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपके पास वोल्टेज और करंट गिवन है, वी बराबर आई आर, इधर देखिए वी बराबर आई आर, तो वी आर बराबर क्या आएगा, वी बाय आर आई, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका जो टोटल आएगा वो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, सही कि नहीं। तो जो गिवन था वो लिखा आर इज इक्वल टू 1 की वैल्यू कितनी 176 ओम, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर, वोल्टेज दे रखा है 220, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है, तो पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, टोटल वोल्टेज 220 दे रखा है, टोटल करंट कितनी देगी 5, सो 220 बाय 5 करेंगे 44 आएगा, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया 44, मतलब कि ये 176 ओम के जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं इन सबका पैरेलल कॉम्बिनेशन जब आप निकालोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी 44 ओम, क्लियर है। और आर की वैल्यू हमारे पास पड़ी 176 ओम। अब इन दोनों से देखिए, अभी जो हमने डेरिवेशन किया यहाँ पर उसी से देखिए, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय आर 1 प्लस 1 बाय आर 2 अप टू आर एन होता है, तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट यहाँ पर आर 1 आर 2 आर 3 सब सेम है, तो 1 बाय 176 प्लस 1 बाय 176 ऐसे करके अप टू एन तक जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। सो 1 बाय आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, ऊपर तो 1 प्लस 1 प्लस 1 सबका सम कितना हो जाएगा एन, और नीचे क्या आएगा 176, क्लियर है। सो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 176 बाय एन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, एन निकालना है, तो एन को इधर ट्रांसफर करते हैं, आर इक्विवेलेंट को इधर ला लेते हैं, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास पड़ी है 44, तो 176 डिवाइड बाय 44 इज इक्वल टू 4, सो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर 4।
अगर 220 वोल्ट की बैटरी लगी है और 5 ओम का 5 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है और 176 ओम के कुछ रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। अब इस तरह का अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर ले यहाँ पर 176 की जगह कुछ भी दे दे, 50 दे दे, 200 दे दे, जो भी दे दे, तो आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। अगर वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन आता है मतलब क्वेश्चन वही है, डिजिट तो एटलीस्ट चेंज होगी। क्लियर है? थैंक यू।